मध्य प्रदेश में जैसे जैसे टिकटों का ऐलान हो रहा है वैसे वैसे बागियों की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब कुछ नामों का ऐलान कांग्रेस बीजेपी में बाकी है, ऐसे में कई बागी अभी और कतार में खड़े हैं। पार्टियों के पास बागियों का क्या है समाधान? बागी बिगाड़ेंगे बीजेपी कांग्रेस का गेम प्लान। जी हां, चुनाव आते ही बागी उम्मीदवारों ने सियासी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। जैसे जैसे कांग्रेस बीजेपी में नए नए उम्मीदवारों की घोषणा हो रही है वैसे वैसे टिकट ना मिलने वाले असंतुष्ट पाला बदल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 144 और बीजेपी के 136 टिकट घोषित हो चुके हैं। दोनों पार्टियों में मिलाकर 21 बागी आमने सामने आ चुके हैं। बीजेपी के 15 बागियों में से 5 को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। 2 ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इनमें गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी और उज्जैन से पूर्व सांसद प्रेमचंद गुड्डू का नाम शामिल है। कांग्रेस में अब तक 6 बागी सामने आ चुके हैं। कांग्रेस की ये बागी या तो निर्दलीय मैदान में है या बीएसपी में चले गए हैं। कांग्रेस के नागौद से बागी यादवेंद्र सिंह बीएसपी की टिकट से मैदान में हैं, तो ग्वालियर ग्रामीण से दावेदार केदार कंसाना बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार दोनों ही पार्टियों के 30 बागी मैदान में थे, उनमें से सिर्फ 4 ही चुनाव जीत पाए थे। हालांकि देखा यह जा रहा है कि कांग्रेस के बागी बीजेपी में जाने के बजाय निर्दलीय चुनाव लड़ने का या बीएसपी में जाने का विकल्प चुन रहे हैं, जबकि बीजेपी के बागी सीधे कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। अब तक तो बीजेपी के 5 बागियों को कांग्रेस टिकट भी दे चुकी है। अवधेश नायक को कांग्रेस ने दतिया से नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ मैदान में उतारा है, जबकि राव यादवेंद्र सिंह को कांग्रेस ने मुंगावली से टिकट दिया है। इसी तरह बीजेपी के पूर्व सांसद बोध सिंह भगत को कांग्रेस ने कटंगी से मैदान में उतारा है, जबकि सिंधिया के साथ बीजेपी में गए और वापस कांग्रेस में आए बैजनाथ यादव को कोलारस से टिकट दिया गया है। वहीं नीरज शर्मा को सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने 136 और कांग्रेस ने 144 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए। उनकी घोषणा के साथ ही असंतुष्ट नेता जिन्हें टिकट नहीं मिली वो खुलकर बगावत करने को तैयार है। 15 ऐसे नेता हैं जो सूची घोषित होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे और उनमें से 5 को टिकट मिल गई। इसी तरीके से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस से असंतुष्ट लोग बहुजन समाज पार्टी में या समाजवादी पार्टी में या आप पार्टी में जाकर टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और लगभग कुछ को टिकट भी मिल गई, वैसे उन्हें घोषणा का इंतजार है। इस तरीके से हम देखें तो कांग्रेस में कोई नया ट्रेंड नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से ट्रेंड देखने को मिल रहा है बड़ा चौंकाने वाला। अभी 136 ही सीटें डाली हुई, दोनों को लगभग 90 से 100 के बीच में दोनों को सीटें डिक्लेयर करना। कांग्रेस ने अभी 144 और बीजेपी ने 136 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है, मतलब अभी और भी लिस्ट आनी है। और इस बीच कांग्रेस बीजेपी दोनों ही खेमे से लगातार एक दूसरे के नेताओं के संपर्क में होने के दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के नेताओं की इतनी लोकप्रियता नहीं होती कि भाजपा उनको टिकट दे वो लड़वाए, बहुत कम रहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में वो आ नहीं रहे, भारतीय जनता पार्टी उनको ले नहीं रही। दूसरी बात, भाजपा के जो नेता बाहर गए हैं ये वो गलतफहमी में होंगे, भाजपा को लोग वोट देते हैं, कमल को भी देते हैं, विचार को वोट देते हैं, मोदी जी को देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी को देते हैं, अर्थात इनकी योजनाओं को देते हैं, कार्य को देते हैं, प्रशासन को देते हैं, सुशासन को देते हैं, किसी व्यक्ति को वोट नहीं देते। इसलिए जो गए हैं उनको कोई वोट नहीं मिलने वाला, ना वो जीतने वाले। हर चुनाव में टिकट वितरण के बाद नेताओं में आपसी कुछ न कुछ नाराजगी होती है, कुछ लोग दल छोड़ते हैं और दूसरे दल ज्वाइन करते हैं, समान वाले। दल बदल और बगावत हर चुनाव में आम है। हालांकि अभी जब कांग्रेस बीजेपी में और नामों का ऐलान होगा तो मुमकिन है कि बगावत के सुर और भी बुलंद हो सकते हैं। किसी भी राजनीतिक दल के बागी नेता किसी दूसरे दल में जाएं अथवा ना जाएं, लेकिन वो अपने दल को नुकसान जरूर पहुंचाते हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं, क्योंकि 2018 में जो नेता बीजेपी से नाराज हुए उन्होंने कई विधानसभा सीटों पर अपनी ही पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। 2023 में भी ऐसे आसार ना बने इसकी कोशिश दोनों ही राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। देखना यह होगा कि टिकट वितरण के बाद क्या स्थिति बनती है, क्योंकि बागियों के सुर तो लगातार उठ रहे हैं। दुर्गेश कुमार, टीम न्यूज़ स्टेट।